जब तक कोई नहीं है घर में राग छेड़ लो, क्योंकि इस उम्र में कोई लड़की तो छेड़ने नहीं देगा। दिया जलना दिया जलना जगमग जगमग, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, दिया जलना, नहीं छोड़ूंगा। किसे नहीं छोड़ेगा? सिगरेट नहीं छोड़ूंगा। सिगरेट नहीं छोड़ूंगा? नहीं अब्बा, बिल्ली को नहीं छोड़ूंगा। बिल्ली को क्यों नहीं छोड़ेगा? यहाँ से निकल गई और चुंगी भी नहीं थी। अबे तो निकल गई बिल्ली। अच्छा, आज बिल्ली निकल गई, कल हाथी निकल जाएगा। इस तरह तो तू ऊपर निकल जाएगा, परसों ऊंट निकल जाएगा, तरसों गधा निकल जाएगा। अबे तमीज से बात कर बे ओ मामू के मुंह वाले, मैं तेरा बाप हूँ। तो किसकी वजह से हो? मैं पैदा हुआ हूँ तो हुए ना, उन्हें के सोफे को कहते मुझे डैडी बोलो, पेड़ को कहते मुझे अब्बा बोलो, मैं पैदा हूँ मेरा एहसान मानो। एहसान मानो, मैंने तुझे खत लिखा था कि मेरे घर पे पैदा हो ना। अबे अच्छा खासा तू अपनी खाला के यहाँ हो रहा था, मेरे यहाँ हो गया। मेरे साथ उल्टी बात नहीं करना अब्बा। मेरे नसीब देखो, ये जब पैदा हुआ मैं हॉस्पिटल गया खुशी खुशी, मेरे यहाँ बेटा हो रही है, बेटा हो रही है। अंदर जाके मैंने नर्स से कहा, मैंने कहा भाई क्या हुआ है? नर्स करी, पता नहीं कुछ ऐसे वहम सा हुआ है। मैं कहा दिखाओ तो सही मेरा वहम, झाड़ू के तिनके के ऊपर तुझे लेके दिखाया, ये है। अरे मैंने कहा ये क्या दे दिया? मैंने ऊपर नमक डाला, तू थोड़ा सा हिला, तब पता चला गया तू है। मेरे से तमीज से बात करना। क्यों तमीज से बात करूं? शुक्र करो मैं तुम्हें अपना अब्बा रखा हुआ घर में। अब्बा रखा हुआ? अबे रखा हुआ है तो फिर तनख्वाह दे, तनख्वाह दे, तनख्वाह दे, चला जाए यहाँ से। मुझे गाने दे, मैं रियाज कर रही हूँ, गाने दे। दिया जला और जगमग 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 में दिया जला। हेलो हेलो, बल्ब की रोशनी में नजर नहीं आ रहा जो दिया जलवा रहे हो? अबे मुझे गाने दे यार, जाओ मामू की शक्ल वाले, समझे, चाय ले आ मेरे लिए। चाय पी पी के मुंह केतली जैसा कर लिया आपने। मेरा मुंह केतली जैसा है? अपना मुंह नहीं देख रहा है? ऐसे मुंह होते हैं ना, ऐसे सूए होते हैं, चावल की बोरी में मार के चावल चेक करते हैं। चला जा यहाँ से। चार चार मेरे बेटे, चार चार बेटे, जब से तुम्हारी माँ मरी है ना। तुम्हारी वजह से मरी है? अबे तो कौन सी मेरी वजह से? मैंने कोई करवट ली थी, नीचे दबके मरी है वो। तुम्हारी वजह से मरी है? खीर में अचार मिला के खिलाओगी तो मरेगी नहीं वो? अबे तो किसने कहा था खिचड़ी में लस्सी मिला के खाने को? तेरी माँ जब से मरी है मेरी तो जिंदगी उजाड़ हो गई। चार बेटे हो तुम लोग, तुम चारों की मैंने शादी करवाई, लेकिन ये चार हैं, एक की शादी नहीं करवाई। वो तुमने मुझे बीवी दी है? मैंने दी? अबे मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि मैं दूं, तेरी सास ने दी है, जा उसको सजा दे। कैसे सजा? सख्त सजा दे, सख्त। किस किस्म की? मेरे से शादी करवा दे। कुर्बान जाऊं तुम्हारे इंसाफ के? बेटा दुनिया में दो ही तो इंसाफ मशहूर है, एक अकबर बादशाह का और दूसरे तेरे बाप अकबर है। अपना इंसाफ अपने पास रखो, समझे? चलो इंसाफ करने। ज्यादा किड़ भी नहीं कर रहे, मुझे रियाज करने थे, चल। रियाज करने थे, रियाज करने, 24 घंटे रियाज। कभी रफीक भी कर लिया करो। रफीक भी कर लिया करो, जा यहाँ से, रफीक करने जाओ, इससे बेहतर मैं रिक्शा ना कर लूं। पता नहीं तुम्हें नाना ने बच्ची कैसे दी है। हुनर तेरे बाप का, हुनर मुझे बगैर हुनर के नहीं बच्ची दी तेरे नाना ने। मेरे को भी सिखा दे अब्बा। किस तरह तुम्हारी अम्मा को मैंने पढ़ाया था? किस तरह? किस तरह से रिश्ता लिया था नाना से? नाना से ना, किसी को बताना नहीं। नहीं नहीं, ऐसा हुनर है बेहतरीन काम। सिखा। सुन, जब भी जाओ ना किसी के पास रिश्ते के लिए, पहले दाएं देख, फिर बाएं देख, फिर आगे देख, फिर पीछे देख। जब वो आदमी अकेला कोई नहीं है, पांव पड़ जाओ, पैर पड़ जाओ, और पैर जब तक नहीं छोड़ियो जब तक वो माने नहीं। अब्बा ये जो ना जिल्लत वाले काम मुझे ना सिखाओ प्लीज। सीख ले मेरे बेटे, तू मेरी औलाद है। अबे चल मुझे गाने दे, राग गा रहा था मैं। हाँ दिया जलाओ, आस्ते मुंह गिर जाएगा। जगमग जगमग दिया जलाओ, जगमग जगमग। हाँ भर गए ये लोग, कितना धीरे से हाथ भी गाँव मैमी मैमी आगे हमारे इतनी देर लगा दी तुम लोग ने। हाँ कॉकटेल पार्टी में तो जाना है ना आपको। हाँ आप
जानते तो हो कि मेरी घंटी बज जाती है शाम को। क्या करें क्या करें, कितनी भीड़ थी, कितना ट्रैफिक था रास्ते में, पता है तुम्हें? अरे आजकल तो एक इंसान यहाँ से वहाँ भी आसानी से जा नहीं सकता, इम्पॉसिबल कर दिया इस ट्रैफिक ने। इंसान? लेकिन आप तो कह रहे थे कि बस के धक्के खा खा कर आप तो जानवर बन गए थे। तो असली में जानवर थोड़ी ना बन गया था, तुम भी ना कमाल कैसी बातें करती हो। बेटा बेटा जरा मम्मी को बताओ, मम्मी क्या कर रहे हो तुम, मम्मी को बताओ जरा कि बस में क्या हाल था हमारा, बताओ बस का हाल बताओ, कितनी भीड़ थी बताओ। सच्ची सच्ची बता दो सारी की सारी हाल। हाँ बताओ ना। मम्मी बस में ना सच्ची मुच्ची बहुत सारी भीड़ थी, और पता है डैडी ने क्या किया मेरे साथ, पता है? मेरी जगह से मुझे उठा दिया और मेरी जगह एंटी को बिठा दिया बस में। मैं ना पूरे रास्ते खड़ा होके आया हूँ। बेटे रोते नहीं बेटे, बेटे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, है ना? हाँ, अगर पापा ने तुम्हें अपनी जगह से उठाकर उस आंटी को बिठा दिया तो अच्छा काम ही किया ना पापा ने। अरे पर मम्मी मैं तो डैडी की गोदी में बैठा था ना। हाँ? क्या बात है, आज जंगल में जानवर अकेले अकेले नाच रहा है। शेरनी किधर है? मायके गई है। ओ लकी मैन, लकी 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 फोन। हेलो कौन? कौन क्या, मैं बोल रही हूँ। अच्छा कहाँ हो, कैसे हो, घर पे हो, बाहर हो, कहाँ हो, कहाँ हो? अरे घर पे हूँ यार। तुम बीवियां मायके जाने के बाद भी इतना फोन क्यों करती हो? ताकि तुम पति को ये याद रहे कि मुसीबत अभी तक टली नहीं है, तुम्हारे सर पे मंडरा रही है। अपना अपना जरा खान साहब। हाँ। साहिबा आप फिल्म बनाती हैं? जी जी फिल्म बनाती हैं। हाँ, हाँ, बोलिए, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है मतलब आपके पास वक्त तो होगा ना। मैं फिल्म में, मुझे आप फिल्म में डालना जी, आप फिल्म में डालें, आप मुझे फिल्म में डालें। मैं जानता हूँ आपको बहुत इज्जत दी है, मुझे डालेंगे और इज्जत देगा। मैं फिल्में बनाती हूँ, शरबत नहीं बनाती हूँ जो घोल के डालो। आपने तो मुझे एकदम हंसाने वाली बात कर दी, प्लीज आप मुझे फिल्म में डाल लें। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग एनीबॉडी राइट नाउ, डू यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ जी, वो कल आया था फिर मैं उससे मिला नहीं। आई थिंक यू आर एट्रोशियस, यू नो दैट? यस, इंग्लिश आती है मुझे। ये क्या था? ये मैं इंग्लिश में बड़ा कुत्ता हूँ जी, मैं जब अंग्रेजी बोलता हूँ ना अंग्रेज अपने छोड़ के दूसरों की बोलनी शुरू कर देते हैं। कौन सा है बार? भूल जाओ, यहाँ किस लिए आए हो? अच्छा मैं यहाँ फिल्म में काम करने आया हूँ जी। किस टाइप के रोल करेंगे? मैं तो हर टाइप का रोल कर लेता हूँ, जरा इज्जतदार आदमी का ना, गांव पेंडू आदमी हूँ, जरा गांव से आया हूँ तो जरा इज्जत बना के आया हूँ। वो तो दिख रहा है। हाँ जी बस जी। तो ठीक है, मैं एक पंजाबी फिल्म बना रही हूँ। आप मुझे डाल दें फिल्म में, डाल दें। आगे बोलो। हाँ आगे बोले, आगे क्या खड्डा है, नहीं बोलेंगे। फिल्म का नाम है पुत्र थले उतर। इस पुत्र को मैं दाद देता हूँ, ये चढ़ा क्यों था ऊपर? आगे बोलो। हाँ आगे बोलो। इसमें काफी शरीफ सा कैरेक्टर है भाई का। मैं देखिए मेरा मुंह से नहीं लगता मैं शरीफ आदमी। ओके ये बंदा, चलो ऑडिशन कर लेते हैं। हाँ ऑडिशन कर लें आप। ये बंदा आता है चौधरी के पास अपनी बहन का दुपट्टा लेने। अच्छा सिर्फ दुपट्टा लेने, बहन लेने तो नहीं? बहन तो नहीं लेनी ना। What nonsense! आपने बोला ना दुपट्टा लेने आता है, बहन तू रख ले भाई दुपट्टा दे दे, ये कहूँ? Oh, oh. अच्छा चौधरी ने तुम्हारी बहन की इज्जत पर हाथ डाला है, बहन रोते रोते तुम्हारे पास आती है और तुम उसका दुपट्टा लेने वापस चौधरी के पास जाते हो। इसकी तो मैं चौधरी की, चौधरी है कहाँ, ये कुत्ते का बच्चा। सपोज मैं ही चौधरी हूँ। आप चौधरी? ना करें ऐसी बातें। क्यों? एकदम मेरी हंसी निकल जाएगी। क्यों? आपसे तगड़ा तो उसका हुक्का होता है, और माशाल्लाह आप जैसा हुक्का ना तो हर आदमी बोलेगा दो कशी लगवा दो। करो, फिल्म में एक्टिंग करनी है ना? हाँ। कराओ। मैं चौधरी हूँ। तुम चौधरी हो? हाँ। मैं आऊंगा। हाँ। दुपट्टा मांगने? हाँ। ठीक है आता हूँ। चलो। किस पे आना, घोड़े पे आना, पैदल आना? जैसे मर्जी आओ, आओ। अच्छा मेरी अपनी मर्जी है? हाँ। फिर मैं कोई कुत्ता कर लेता हूँ फिर। अच्छा कुत्ते पे अच्छा नहीं लगेगा, कुत्ते में बैठूंगा लोग पहचानेंगे नहीं कुत्ता कौन है मैं कौन हूँ। ठीक है गलत हो गया। एक्शन एक्शन। चौधरी कौन है बे? चले यार मेरी बहन का दुपट्टा वापस कर, बहुत हो गया। दुपट्टा क्या इस्त्री कराने दे दिया जो ऐसे आराम से मांग रहे हो? अच्छा गुस्से से मांगना, समझ गया मैं, समझ गया। चौधरी बोल कौन है बे? मेरी बहन का दुपट्टा दे दे यार, वो घर पे बैठी हुई स्कूल जाने के लिए नंगे सर।
एक्सक्यूज मी, तुम्हारी बहन कितनी बड़ी है? इतनी सी है, 6 साल की। अरे इतनी सी लड़की दुपट्टा कहाँ पहनती है? तुम लोगों ने छोड़ दिए ना, तभी तो उन्होंने शुरू कर दी है। भूल गया, भूल जाओ ये। किसको भूलूं? ओहो, ये बाद में करेंगे। हाँ, ये बाद में करेंगे। अभी कुछ और करते हैं। अभी कुछ और, कुछ ऐसा करते हैं कि जमाना हम पे थू-थू करे। क्या? अच्छा, क्या करते हैं? देखो अगला सीन करते हैं। अगला सीन करते हैं। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं बहन हूँ, मैं रोते रोते तुम्हारे पास आती हूँ। किसकी बहन है? तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हारी जैसी बहन हूँ ना, हर आदमी मेरे को बिलाओ या चाय पिला रहा हूँ, सिर्फ मोबाइल नंबर लेने के लिए तुम्हारा। फिल्म में एक्टिंग करनी है। हाँ, करनी है। करे? हाँ, चलो तुम बहन हो। हाँ, मैं बहन। तुम क्या करोगे आके? मैं रोते रोते आऊंगी तुम्हारे पास। हाँ। और मेरा डायलॉग ये है कि वीरा वीरा देखो चौधरी के बच्चे ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। बस सही है, समझ गया मैं। चलो तुम आके दिखाओ, भाई खड़ा हुआ है। सर सही से आना। हाँ। सही से आना, ठीक है? मैं डायरेक्टर हूँ, मैं जानती हूँ कैसे आना। ओके, समझाना भी जरूरी है, मेरा तो फर्ज बनता है ना। एक्शन। वीरा, वीरा, देखो ना चौधरी के बच्चे ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं खड़ी रहो, मैं अभी चौधरी से पेमेंट पकड़ के आता हूँ। ये क्या था? पैसे नहीं लेना उससे? ये तुम्हारी बहन की इज्जत पर हाथ डाला है चौधरी ने। अच्छा अच्छा, उसको मारना है? मैं समझो उससे पैसे लेना है, फिर बाद में इंजॉय करेंगे दोनों। वापस करें? वापस करो, वापस करो। गुस्सा आना है? गुस्सा आना, मेरा गुस्सा देखना। मेरे को गुस्सा आता है, पहले मेरे को छींकें आती थी, फिर मैंने वो रोकी, फिर अब गुस्सा आना शुरू हो गया। एक्शन। एक्शन। वीरा, वीरा, देखो ना, चौधरी के बच्चे ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। डडडन। वेरी गुड, क्या बात है। खुदा हाफिज़ बहन। ये क्या था? अबे चल बे चल बे, चौधरी मेरे से तगड़ा हुआ, मैं तो मर जाऊंगा ना। तुम तो चाहती हो दुनिया से आखिरी खूबसूरत आदमी मर जाए। निकल जाओ मेरे स्टूडियो से बाहर, निकल जाओ। मैं तुम्हारे स्टूडियो में थूकता भी नहीं हूँ। अरे मैं तुम्हारे स्टूडियो में कीड़े पड़े हैं, ना कुत्ते लौटेंगे। गेट लॉस्ट। कौन सा लॉस्ट? डू यू गेट लॉस्ट यू डर्टी फेलो। हैंड 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 गो स्टूपिड इडियट। बल्लू, मैंने तेरे लिए एक लड़की ढूंढ ली है। अरे रॉकी, ये बात तो बहुत बढ़िया से, पर वो देखने में कैसी है? पता नहीं यार, मेरी बीवी ने उसके बारे में बताया था, मैंने तेरे साथ उसकी मीटिंग फिक्स कर ली है। बावड़े, अगर वो बदसूरत निकली तो? अरे बदसूरत होगी तो पेट पकड़ के जोर से आ करना और पेट दर्द का बहाना देकर निकल जाना। अरे ये तो बहुत बढ़िया आइडिया से। एक्सक्यूज मी, आप बल्लू? ना ना, आई द मिस्टर बल्लू सिंह। मेरा नाम है एहसान कुरैशी, मेरा नाम है एहसान कुरैशी, बातें करता हूँ कैसी कैसी, जल जाएंगे सारे हंसी के बलब, जल जाएंगे सारे हंसी के बलब, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कॉमेडी क्लब। दोस्तों एक शेर सुनाता हूँ, बात शुरू करने से पहले ये प्यारा सा शेर। कैसे जिंदा रहते हैं लोग ज्यादा खा खा कर, कैसे जिंदा रहते हैं लोग ज्यादा खा खा कर, कटी उम्र होटलों में वो मरे अस्पताल में जा। कुछ लोग तो लोड ही नहीं देते, अच्छा उनको मालूम भी नहीं रहता कि पैदा ही क्यों हुए, बस काम है खाना, मगर होटलों में खाते हैं और सरकारी अस्पताल में मर जाते। मेरा एक दोस्त है पेटू, इतना बड़ा पेट, नई नई होटल तलाशता रहता है। एक दिन बोला, भाईजान गजब की फैसिलिटी है। मैंने कहा क्या है? बोले बोर्ड लगा है, आपके पैसे आपके पोते देंगे। चलो खा के आते हैं। मैं समझ गया यहाँ ज़रूर कोई लोचा होगा, मैंने कहा तू ही जा। वो गया, खाना खाया, 1, 2, 10, 20 प्लेट खा गया। थोड़ी देर के बाद वेटर ने 3,000 का बिल लाया। बोले यार ये तो धांधला ही है,
आपने बाहर बोर्ड लिखा है पैसे आपके पोते देंगे। वेटर बोला हाँ सही लिखा है, आपका बिल आपके पोते देंगे, ये बिल तो आपके दादा का है। तो होटलों का चक्कर है, लेकिन पेटू ने एक दिन एक बोर्ड बढ़िया सा पढ़ा, उसमें भी एक नया डायलॉग लिखा था। मुझे पकड़ के ले गया, भाईजान देखो क्या लिखा है। मैंने कहा क्या लिखा है? बोले आए और अपने पसंद का खा के जाए। बोले यहाँ भी मामला फ्री का ही दिख रहा। मैंने कहा तू ही जा। ये जैसे ही अंदर घुसा तो को दो गेट नजर आए, एक में लिखा था नॉन वेज और दूसरे में लिखा था वेज। इसने सोचा यार वेज तो पूरी जिंदगी से खा रहा हूँ, आज नॉन वेज खाते। उसने नॉन वेज का गेट खोला, उसे फिर दो गेट नजर आए, एक में लिखा था चिकन बिरयानी और दूसरे में लिखा था मटन बिरयानी। बोला यार चलो आज मटन बिरयानी का टेस्ट देखते हैं। मटन बिरयानी वाला गेट खोला, उसको फिर दो गेट नजर आए, एक में लिखा था नगद और एक में लिखा था उधार। बोले अच्छा ये फैसिलिटी भी है। बोले नगद तो खाते ही रहते, आज चलो उधार खाते। उसने उधार का गेट खोला, पीछे सड़क पर आ गया। होटल वाले भी कभी कभी बेवकूफ बनाते हैं, मगर कभी कभी होटल वालों को वेटर बेवकूफ बना दे। एक वेटर को तो छुट्टी नहीं मिलती थी, तो वेटर ने एक दिन एप्लीकेशन दिया, मेरी माँ का देहांत हो गया। मैनेजर को बड़ी दया आई, बोले यार तेरी किस्मत खराब है, ये 5,000 ले, तू पूरा क्रियाक्रम निपटा के ही आना। 6 महीने के बाद फिर उसने आवेदन दिया, मेरे डैडी का देहांत हो गया। मैनेजर बोला तेरे बुरे दिन चल रहे हैं, ले 5,000 ले, पूरा क्रियाक्रम निपटा के आ। अच्छा बेटर अब इस बार भूल गया अगली बार कौन सा आवेदन दिया था। उसने फिर एक एप्लीकेशन दिया, माँ का देहांत हो गया। मैनेजर सोचा यार इसको बहाने नहीं मिलते, चलो इसको छुट्टी दे दो। ये गया छुट्टी बिता के आया, फिर 2 महीने के बाद एप्लीकेशन दिया, पिताजी का देहांत हो गया। जब 15-20 एप्लीकेशन जमा हो गई, मैनेजर ने उसको बुलाया, सुन रे तेरे कितने माँ बाप, पिछले 16 माँ बाप तो तूने मार चुका। वेटर बोला भगवान कसम सर बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बाप मरता है तो माँ दूसरी शादी कर लेता, और माँ मरती है तो बाप दूसरी शादी कर लेता। लेकिन दोस्तों अभी जाते जाते आपको बहुत प्यारी दो लाइन सुनाता हूँ। मुझे एक टपोरी मिल गया मुंबई कर, अपनी स्टाइल में बोला, भाईजान आप सबको शेर सुनाते हो, अपुन तुमको शेर सुनाएगा। मैंने कहा तुम सुनाएगा? बोले बरोबर सुनाएगा। मैंने कहा सुना। टपोरी ने अपने अंदाज में शेर सुनाया, चांद फेंक रेला है लाइट, चांद फेंक रेला है लाइट, बोले तो होने वाली है नाइट, अब बंद करने का ट्यूबलाइट और सोने का एकदम टाइट, बोले तो गुड नाइट, हंसते रहे देखते रहे कॉमेडी कला। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि रवि कुमार ने गाड़ी का शीशा तोड़कर हीरे जवाहरात चोरी किए, इसको सजा मिलेगी। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड आज मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूंगा। मिलॉर्ड करिए। मिलॉर्ड गुनाह तो सिर्फ इसके हाथ ने किया है ना मिलॉर्ड, तो फिर इसके पूरे शरीर को सजा क्यों मिलॉर्ड? जब गुनाह इसके हाथ ने किया है मिलॉर्ड, तो सजा भी सिर्फ इसके हाथ को मिलनी चाहिए मिलॉर्ड। मिलॉर्ड इंसाफ कीजिए मिलॉर्ड, इंसाफ के पन्नों पर एक नया इतिहास लिखिए मिलॉर्ड। आज आप सिर्फ इसके हाथ को सजा दीजिए, इसके पूरे शरीर को नहीं, क्योंकि इसके पूरे शरीर की कोई गलती नहीं है मिलॉर्ड। ठीक है, मैं तुम्हें इंसाफ देता हूँ। ये अदालत मुल्जिम के हाथ को 2 साल की सजा सुनाती है। अब ये उनकी मर्जी है कि वो अपना बाकी शरीर अपने हाथ के साथ जेल भिजवाना चाहते हैं या नहीं। जज साहब, मैं आपके न्याय की पूरी इज्जत करता हूं। थैंक यू जज साहब। आ गए आप?
तनख्वाह आ गया और आज मैंने 6 रुपए बचाए। अच्छा वो कैसे? मेरी बस छूट गई और उसके पीछे भागते 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 मैं घर पहुंच गया और इस तरीके से मैंने 6 रुपए बचाए। अकल के अंधे, अगर टैक्सी के पीछे भागते तो 40 रुपए नहीं बचते। जी आपकी साड़ी आज बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। और आपका लिपस्टिक बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और परफ्यूम बहुत ही प्यारी लगाई है। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन इतनी मेहनत के बाद आप प्यारी बिल्कुल नहीं लग रही है। अजी क्या कर रहे हो यहाँ? मेरा पेट दर्द कर रहा है, आप जोर जोर से हंस रहे हो। कुछ नहीं, दोपहर से कुछ खाया नहीं, पेट खाली होगा इसलिए दर्द हो रहा है। अब समझ में आ गया आपका सर हमेशा क्यों दर्द करता है। खादिर हजरात, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम कॉमेडी क्लब। हमें दोस्त है लियाकत फफूंदी। अगर आदमी उसको सुबह देख रहे हैं ना, उसकी नौकरी छूट जाए बंदे। इतना बड़ा नेस्ती है, नेस्ती है बोले तो सुस्त। खादिर हजरात, ऐसा है, एक दफ़ा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। अब ट्रेन जा रही है पटरी पे तो अचानक उनको मस्ती सूझी। डब्बे में से मुँह निकाल के पिछले डब्बे वाले से कह रहे, अबे हमसे आगे निकल के दिखाओ। एक दफ़ा हम लोग सब बैठे हुए थे कि अचानक एक दोस्त आया, सब बैठे हुए थे, एक दोस्त आया, वो भी आके बैठ गया। फफूंदी साहब भी आ गए, वहीं पे आए और सिगरेट निकालने लगे। जैसे सिगरेट जलाने लगे, मेरे दोस्त ने कहा, यार सिगरेट नहीं पीना, मेरे सर में दर्द होगा। कह रहा, अबे क्या मैं ऊँची आवाज़ में पी रहा हूँ? दो दोस्त मर गए, ऊपर जाके मिले आपस में। कहना, हाँ यार क्या हाल है, ठीक हो? कहना, हाँ मैं ठीक हूँ, तू सुना? कहना, यार तू कैसे मरा था, दुनिया में कैसे मरा था? कहना, यार मैं तो हैरत से मर गया था। हैरत से मरा? हैरत से मर गया यार, मैं तो हैरान होकर मर गया। बोले, तू कैसे मरा? बोले, यार मैं तो ठंड से मरा था, ठंड से। बोले, कैसे? तू हैरत से मरा, कैसे मरा? बोले, यार मैं कमरे में आया ना, मुझे शक हुआ कि मेरे बेडरूम में कोई है। मैं बीवी से पूछ ला, मैंने कौन है? कह रही, कोई नहीं है, क्या हो गया? मेरे पे शक करे तो मैं शर्म नहीं आती, ऐसी बात नहीं, क्या करो, बुरी बात होती है। मैंने बड़ी तलाशी ली, मुझे लगा कोई है, मगर मुझे कोई मिला नहीं, मैं हैरान हुआ, हैरत से मर गया। दूसरा दोस्त कहने लगा, अबे जलील आदमी, अगर तू फ्रिज खोल लेता तो दोनों ही बच जाते ना। एक बच्चा सुबह उठ के आया अपनी मम्मी के पास, मम्मी हमारा ना बाथरूम ऑटोमेटिक हो गया। क्या कह रहे? हाँ मम्मी ऑटोमेटिक हो गया है। या तो ऑटोमेटिक हो गया या हमारे बाथरूम में कोई भूत है। कि नहीं कैसे बेटा? बोले, रात को 2 बजे ना मैं उठा ना, मेरे को एक नंबर आया हुआ था, तो मैं गया बाथरूम में, जैसे ही दरवाज़ा खोला, मम्मी बत्ती जल गई। मैंने कहा, ये क्या यार? मैं डरते डरते अंदर चला गया, मम्मी मैंने दरवाज़ा बंद किया ना, बत्ती बंद हो गई। मैंने एक नंबर किया, मैंने दरवाज़ा खोला, फिर बत्ती जल गई। फिर मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद किया, बत्ती बंद हो गई। माँ के लिए कमबख्त, तेरा सत्या ना जाए, फ्रिज में कर दिया। 4 दोस्त बैठे हुए थे, चारों चंड, उसमें हमारे लियाकत फफूंदी साहब भी बैठे हुए थे। अब खिचड़ी बीच में रखी हुई थी और बीच में असली घी। अब चारों सोच रहे हैं घी कैसे लिया जाए। पहले ने शुरू किया, कहना, यार मरने के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क़यामत के दिन सब खड़े होंगे, हिसाब किताब हो रहा होगा, जिसने अच्छे अमाल किए होंगे उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा। उंगली मार दी, सारा घी अपनी तरफ। दूसरे जगह, वो सियाणे बहुत अच्छे, उसने कहा, ये बात झूठे वे, एक दरवाज़ा होगा, 2 होंगे, एक जन्नत का, एक दोजख का, एक नर्क, एक स्वर्ग। 2 उंगली मार दी, घी अपनी तरफ। तीसरा कहना, ये बात गलत है बे, एक तो चलो दोजख का होगा गुनाहगार के लिए, जो सवाब बोलेंगे उनके जन्नत का होगा, तीसरे का भी होगा जिसके दोनों के गुनाह और सवाब बराबर होंगे, तो 3 दरवाजे होंगे, 3 मार। लियाकत फफूंदी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उसने कहा, बात सुन बे, ना 1 दरवाज़ा होगा, ना 2 दरवाज़ा होगा, ना 3 दरवाज़ा होगा, क़यामत के दिन जो है ना, भागम भाग मची होगी। और सब मिला दिया। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अरे भाई डॉक्टर कुंडली लिख रहा है क्या?
बढ़िया 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 बढ़िया। अरे भाई तुम्हें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, तुम्हारी तबीयत तो एकदम ठीक है ठीक है। रवि डॉक्टर तो मुझे एक्चुअल में हुआ के था। एक मिनट। तुमने क्या है ना, लगता है बाहर खाना बहुत खा लिया है। अब ये बाहर के खाने की वजह से तुम्हारे पेट में जरा सी प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब एकदम बढ़िया 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 बढ़िया। मतलब ब्रेक डांसर मैं एकदम फिट फैट हो गया हूँ। अरे ओ, एकदम फिट हो तुम, एकदम फिट हो। देखो एक काम करो, तुम जो बाहर खाना खाते हो ना, बस उसका जरा ख्याल रखो। और एक और चीज कर लो, रोज सुबह उठ के थोड़ा सा गुनगुना पानी बस पी लिया करो, बस बाकी सब फिट बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे बावड़े डॉक्टर, पिछले 10 साल से रोज सुबह मैं खाली पेट गुनगुना पानी पीऊं। अच्छा, मेरी घरानी उसे चाय कहे। गोली 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 गोली। डार्लिंग, आज ना मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। डार्लिंग देखो, इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ पूछो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने पूरी सैलरी तुम्हें दी थी, परसों तुम भूल गई। ओहो डार्लिंग, ये बात मैं तुमसे नहीं पूछना चाहती थी। मैं जानती हूँ तुम अपनी सैलरी मुझे दे देते हो, लेकिन क्या ना, देखो इस महीने मैं तुम्हें बाहर डिनर पे भी नहीं ले जा पाऊंगा, और तुम्हारी ना वो शॉपिंग और ज्वेलरी वगैरह, आई एम सॉरी, अगले महीने कर लेंगे, इस महीने थोड़ी पोजीशन टाइट है। मैं कंप्लेन कर रही हूं कंप्लेन। बिल्कुल नहीं कर रही हो। ऐसी बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे सारी 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 डाली। आज ना मैं तुम्हारे प्यार का इम्तिहान लेना चाहती हूं। इम्तिहान लेना चाहती? ठीक है, मैं इम्तिहान दूंगा तुम्हें, बिल्कुल दूंगा, ले सकती हूं। अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? प्लीज ऐसी बातें मत करो, दिल में कुछ कुछ होता है, अजीब सा कुछ हो रहा है, प्लीज प्लीज डोंट से दिस। कुछ कुछ मतलब क्या? मतलब कुछ कुछ हो रहा है, आई कांट एक्सप्लेन, प्लीज ऐसे बातें मत करो। मुझे गोल गोल घुमा घुमा के बातें मत करो, सच सच कहो ना, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? मैं भी मर जाऊंगा। हाँ, क्योंकि मुझसे ना इतनी बड़ी खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। राजीव ठाकुर और आप देख रहे हैं कॉमेडी क्लब। आज हम बात करते हैं खूबसूरत प्रोफेशंस की, और सबसे खूबसूरत प्रोफेशन है हमारा, दुनिया को हंसाओ, उनका खून बढ़ाओ और भगवान के दरबार में पुण्य कमाओ। अच्छा, प्रोफेशन में आता है डॉक्टर्स। इनके पास इतने अजीब अजीब तरह के मरीज आते हैं। एक डॉक्टर के कैबिन में से नर्स बाहर निकली और बाहर जाके खबर दे रही है, आपके घर में जुड़वा बेटे हुए हैं, यानी के टू। इतना सुनना था, पति गुस्से में आ गया, टू? मेरी बीवी थी बदतमीज, उसके घर में टू ही होने थे। प्रोग्राम ही ऐसे देखती थी, इविल डेड टू, रैम्बो टू, जुरैसिक पार्क टू। अच्छा, एक औरत भागती हुई अंदर आई और आके बोल रही है, डॉक्टर साहब मेरा बेटा ना जीरो फोंडा से गिर गया है। डॉक्टर बोला, एक्सक्यूज मी प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। अब उसे इंग्लिश कहाँ आती थी, जो टूटी फूटी बोली वो क्या बोली, डॉक्टर साहब माई लौंडा गिरौंदा फ्रॉम जीरो फाउंडा। अच्छा, ऐसी एक औरत और भागती भागती आई, वो डॉक्टर को जल्दी जल्दी में इंग्लिश में क्या बता रही है, डॉक्टर साहब मेरे 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 लौंडे को ना टॉयलेट लग गई है। ये तो हुए डॉक्टर्स, लेकिन एक प्रोफेशन ऐसा है जो सिर्फ रात को काम करते हैं। अरे अरे गलत मत समझो, मेरा मतलब है पोस्टर लगाने वाले। दिन में उन्हें कौन पोस्टर लगाने देता है, बेचारे रात को निकलते हैं और अंधेरे में पोस्टर लगा के आ जाते हैं, ये लगाया। अब दिखा कुछ नहीं है, अब सुबह देखिए पोस्टर एडजस्ट कैसे हुए होते हैं। इधर वाजपेयी जी की फोटो, इधर काया देवी की फोटो, और बीच में वो पोस्टर लगा गया, मुझसे शादी करोगे? अच्छा, एक डॉक्टर की दुकान, ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर अनिल जोशी, और नीचे पोस्टर लगा गया खतरों के खिलाड़ी। पुलिस थाने के बाहर आदमी पोस्टर लगा के चला गया, शरीफ बदमाश। ये तो छोड़िए, टॉयलेट के बाहर इधर जेंट्स लिखा है, इधर लेडीज, और बीच में एक बंदा पोस्टर लगा गया, रोक सको तो रोक लो। बाहर तक तो ठीक था, एक अंदर लगा के चला गया, अंदर क्यों हो गया ना। ये हुए प्रोफेशंस। मैं सोचता हूं कि जो प्रोफेशन है ना,
वही करे तो अच्छा लगता है, जिसका काम उसी को साजे। लेकिन न्यूज़ चैनल्स में इतना कंपटीशन हो गया, उन्होंने न्यूज़ पढ़ने के लिए खूबसूरत लड़कियां रखी। अब बात और आगे बढ़ी, एक न्यूज़ चैनल ने न्यूज़ पढ़ने के लिए आइटम गर्ल रख ली। अब वो आइटम गर्ल न्यूज़ कैसे पढ़ रही है? आते ही ये दुपट्टा ठीक नहीं लग रहा, मैं इसे उतार देती हूँ, अब न्यूज़ पढ़ूंगी। अब न्यूज़ कैसे पढ़ रही है, आवाज देखिए इसकी। एक कत्ल हुआ, आदमी ने खंजर उठाया। लगता ही नहीं है कि खंजर की बात कर रही है, ऐसे लगता है किसी खंजर की बात कर रही है। उसने खंजर इस तरह से चुभोया। अच्छा आप बताइए, इस तरह से कत्ल हो सकता है? इस तरह से सिर्फ मजे आते हैं। उसने खंजर चुभोया और आदमी, अच्छा इस तरह से खबरें पढ़ रही है, नीचे एक पट्टी चलानी पड़ रही है कि प्लीज इन खबरों को सिर्फ 18 साल की उम्र के ऊपर के लोग ही देखें। अच्छा एक एक्सीडेंट की खबर बता रही है, एक्सीडेंट हुआ। अब एक्सीडेंट की खबर कैसे बता रही है, म्यूजिक दीजिए। इधर से बस आई, ऐसे आके टकराई, दो यहां गिरे दो वहां गिरे और बाकी बस के अंदर किचर मिचर। थैंक यू। आप इसी तरह हमारे साथ झूमते रहिए और देखते रहिए हमारा और आपका फेवरेट प्रोग्राम कॉमेडी क्लब। प्राणनाथ, आज तुम्हें लाजवंती से अपने प्यार का इजहार करना ही पड़ेगा। लाजवंती, मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे प्यार को पैसों में नहीं तोलोगी। लाजवंती तुम आ गई। हाँ प्राणनाथ, मैं भी कब से एक ही सपना देख रही हूँ कि तुम मेरे साथ एक बहुत क्या हुआ लाजू? कुछ नहीं। बिस्कुट खाओगी? नहीं नहीं। चाय पियोगी? नहीं नहीं। लाजवंती मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। वैसे मैं भी तुमसे अपने दिल की ही बात कहना चाहती हूँ। कहो ना। आज तुम मुझे रहने दो, पहले तुम कहो क्या कह रहे थे। ओहो मैं तो कहता रहूंगा लाजो, लेकिन मुझसे तुम्हारी ये ओहो बर्दाश्त नहीं होती। अभी जाके तुम्हारे गले के लिए कुछ लेके आता हूँ। रुको प्राणनाथ। रुक गया लाजो। मैं भी तो यही कह रही थी कि तुम मेरे गले के लिए एक ऐसा हार ला के दो। प्राणनाथ 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 चले गए। सिगमंड फ्रॉइड ने कभी कहा था कि इसने टीचा। सिगमंड फ्रॉइड नहीं जानते तुम? गीतांजलि जानती हो कि नहीं? हाँ टीचर, चिंटू को पता है, मेरे बाजू में रहता है। May I come in, miss? और कितना अंदर आना चाहते हो? गोदी में बैठोगे क्या? I wish, miss. अच्छा ये बताओ तुम कहाँ थे इतनी देर, क्यों नहीं आए टाइम पे? मिस क्या है ना, मेरे घर में मम्मी डैडी ना लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे से, पिटी पिटी कर रहे थे। तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? एक्चुअली ना वो मेरे शूज से एक दूसरे की पिटी पिटी कर रहे थे। Disgusting, I tell you. कौन है तुम्हारे पापा? इसी बात पे तो लड़ाई हो रही थी, कौन है मेरे पापा? अरे अरे जल्दी करो ना, दुकान बंद कर रही है। दुकान कैसे बंद करनी, इससे मैं इधर फ्री में खड़ा हूँ क्या? मेरे को भी तो फोन लगाना से ने? रुके, जल्दी कर, जल्दी कर। तुम ही लगा लो, मेरा नंबर तो नहीं लग रहा है। अरे बावड़े गलती तो थारी से ना, लगा फटाफट लगेगा। कैसे? रे बावड़ी बूझ, तेने तो यहाँ लिखा से ना, कृपया डायल करने के पहले दो लगाए। फटाफट डायल कौन चली जाएगी नहीं से? फटाफट फटाफट देख लग गया के? अरे भैया नहीं आई। भाई एक मिनट रुक। अरे अभी भी नहीं आई। अरे यार बावड़ी इधर देख, लगा आई आई।
थैंक यू तो बोल, इतनी मेहनत करी तेरे वास्ते। मैं फोन करूं तो ते भी लगाइयो इसको तो। घंटा कैसी हो? अबे इंजेक्शन से तेरा बाप भी लगवाएगा बे। डॉक्टर साहब मुझे ये डॉक्टर साहब रवि, अरे मुझे कहा ये क्या हुआ? अरे यार क्या बताऊं यार, मेरे इस प्रोफेशन ने मेरा ये हाल कर दिया है। मैं समझा नहीं यार क्या हुआ। अरे यार अभी थोड़ी देर पहले किसी के घर पे फोटो खींचने गया था, फोटो खींचना तो मेरा काम है यार, बस मैं फोटो खींचने ही वाला था कि रील की तरह धो दिया वो लोग ने मुझे यार। लेकिन क्यों बे? अरे यार वहां पे उनके दादाजी की डेथ हो गई थी, तो अब दादाजी मर गए थे तो उन्हीं की फोटो खींचने गया था, अर्थी पर दादाजी की लाश पड़ी थी, मैंने फोटो खींचने के लिए पोजीशन ली, बस मैं फोटो खींचने ही वाला था कि गलती से मुंह से निकल गया यार दादाजी स्माइल प्लीज। यार मेरी जो सास है ना वो मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। कैसे? वो साल में एक महीना रहने आती है लेकिन पूरे साल का पाई पाई के साथ मांगती है यार। मेरा जिन हराम कर रखा भाई लोगों। ओ यार ये तो कुछ भी नहीं है, और मेरी जो मदर इन लॉ है ना। मदर इन लॉ नहीं, मदर इन लॉ यार, मदर इन लॉ एक ही बात है, वो तो हिस्ट्री में कमाल है यार। अच्छा पता कौन से सन में मैंने कौन सा वादा किया था उसको सारा याद है। पता शादी के पहले ना अपने सास ससुर को मनाने के लिए मैंने 15-20 वादे कर दिए थे। मेरी तरह यार तो सारे वादे मुंह जुबानी याद है यार, उस गलती की आज तक मैं सजा भुगत रहा हूँ। अरे भाइयों मेरी भी तो सुनो। मेरी जो सास है ना उसका तो यार उसका जीपीएस बड़ा स्ट्रॉन्ग है यार। जीपीएस कौन सा है? जीपीएस यार, ज्योग्राफी यार। तो ऐसे बोलना हाँ। बड़ी स्ट्रॉन्ग है यार वो, जब भी मुंबई आती है ना हमसे मिलने आती है ना, हम उसको घुमाने ले जाते है ना, मैं हमेशा उसको रास्ते में छोड़ के आता हूँ ना, घर जाता हूँ तो उसी को पाता हूँ ना। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.